बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 75। सपने देखते सभी हैं, लेकिन उसे साकार करने का जज्बा किसी किसी में होता है। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ ऐसा ही वाकया सीतामढ़ी जिले के एक मुर्गा बेचने वाले के बेटे ने कर दिखाया। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं बिहार के सीतामढ़ी शहर के विश्वनाथपुर चौक पर मुर्गा बेचने वाले गुलाम मुस्तफा खां के बेटे कैप्टन मोहम्मद कमरुल जमा ने राष्ट्रीय स्तर पर अपने घर, परिवार, गांव और बिहार का नाम रोशन किया है। इंडियन आर्मी में तैनात कैप्टन कमरुल जमा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के राजपथ पर होने वाले परेड में ब्रह्मोस मिसाइल के दस्ते को लीड करने वाले हैं। अभी नहीं खुलेंगे जूनियर बच्चों के स्कूल। ठंड कम होने के बाद ही विचार करेगी सरकार। बिहार सरकार ने जूनियर सेक्शन के स्कूलों के खुलने की बात अभी मंथन जारी है। बताया जा रहा है कि राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार के ने साफ तौर से यह कह दिया है कि जूनियर सेक्शन के बच्चे अभी घर पर ही रहकर पढ़ाई करने वाले हैं। बिहार में मिले कोरोना के 82 नए मरीज। राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 25,99,089। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो ताजा अपडेट जारी करती हुई नजर आ रही है, उसमें 82 लोग कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। और रुख करते हैं बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद की ओर। बीमार लालू की देखरेख में लगे तेजस्वी। अपील आरजेडी सुप्रीमो के लिए, एम्स ने भीड़ न लगाए। राजद सुप्रीमो, पूर्व मुख्यमंत्री राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का इलाज दिल्ली एम्स में चल रहा है। लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपनी पार्टी नेताओं से अपील की है कि कोई भी दिल्ली एम्स में भीड़ न लगाए। साथ ही हेल्थ अपडेट में डॉक्टर यादव कर रहे हैं आरजेडी सुप्रीमो का इलाज। दिल्ली एम्स में कई नए टेस्ट कराए गए हैं। दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सेहत से जुड़ा ताजा अपडेट यह आया है कि दिल्ली एम्स में लालू यादव के कई नए टेस्ट कराए गए हैं। लालू यादव के विशेषज्ञ डॉक्टर यह समझना चाहते हैं कि लालू यादव के लंग्स में इंफेक्शन का लेवल क्या है। संविदा कर्मियों की गाइडलाइन पर नीतीश सरकार ने दी सफाई। कॉन्ट्रैक्टर की सेवा पहले से स्थायी विजिट से होगा लाभ। राज्य में संविदा कर्मियों की सेवा को लेकर नीतीश सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन पर सरकार ने खुद स्पष्टीकरण कर दिया है। सरकार मीडिया में आई खबरों के बाद सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इस पूरे मामले की सफाई दे रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया कि राज्य में कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के लिए साल की सेवा की सीमा पहले तय की गई। सरकार के इस फैसले से संविदा कर्मियों को लाभ मिलने वाला है। सदर अस्पताल में प्रसव कराने आई महिला की मौत के बाद परिजनों का हाई वोल्टेज ड्रामा। गोपालगंज में सदर अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से प्रसव कराने आई महिला की मौत हो गई। मौत के बाद मृतक की परिजन ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने हंगामा और प्रदर्शन भी किया, जिसकी वजह से अस्पताल के सामने में लोग की भीड़ जम गई। मृतक महिला थावे के चनावी गांव निवासी धीरेन्द्र मांझी की 25 वर्षीय पत्नी अनीता देवी बताई जा रही है। राजद के पूर्व विधायक को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। जदयू प्रखंड अध्यक्ष सुमारिक हत्याकांड में एडीजे 3 ने पूर्व राजद विधायक कुंती देवी को उम्र कैद की सजा सुनाई तथा 50,000 रुपए का जुर्माना भी बताया।
बताया जा रहा है कि 26 फरवरी 2013 को दिन सुमारित यादव जदयू कार्यालय से विजय यादव एवं अन्य लोगों के साथ रास्ते से गुजर रहे थे, जिसमें गुजरते वक्त कुंती देवी, उनके पुत्र रंजीत कुमार, विवेक कुमार, रंजीत के साला पंकज यादव और अन्य 4-5 लोगों ने उसे रोक लिया और उसकी हत्या कर दी। अब क्या करेंगे चिराग? एलजेपी विधायक की बढ़ी जदयू से नजदीकियां। मंत्री अशोक चौधरी के घर पहुंचे राजकुमार से। बड़ी खबर राजनीतिक गलियारे से है, जहां बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के साथ चिराग पासवान के इकलौते विधायक उसके आवास पर मौजूद थे। लोजपा विधायक राजकुमार सिंह वहां पुस्तक विमोचन करते नजर आए, जिसके साथ ही इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि लोजपा के मटिहानी के विधायक अपनी नई पारी की शुरुआत जदयू के साथ करने वाले हैं। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब चंपारण मीट का स्वाद नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में, जहां चिकन स्टू 50 रुपए, मटन स्टू 65 रुपए, चिकन सिक लेग पीस 100 रुपए और तो और चिकन थाली मात्र 150 रुपए एवं मटन थाली 195 रुपए में उपलब्ध है। स्वाद के लिए अवश्य पधारें। सुंदरम अहुना मटन, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। फ्री होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध है।